मोमेंट है, क्या मोमेंट है। So, हमारा चंद्रयान दोस्तों बहुत जल्दी लैंड करने वाला है यार, लैंड। वाओ यार, जी हाँ रुसी, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट अल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हम अपने जी हाँ हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं। तो देवी और सज्जनों स्वागत है आप सभी का यार, क्या बात है। Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India श्री नरेंद्र मोदी जी, who has joined us. What a moment यार, क्या बात है। So हम भी देख रहे हैं इसको लाइव अपने फेसबुक चैनल पे, और यस हम देख रहे हैं इसे लाइव इसरो की वेबसाइट से। देख सकते हैं altitude hold phase भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग लगभग 800 मीटर हो जाएगी। Yes. We can hear from the हम कर सकते हैं, mission operations कर सकते हैं। Yes. That the sensors are performing nominally and we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes. And the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग लगभग शून्य होगा। We can see yes, Chandrayaan, we can do this. And we can see that bhai. The ground range traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। क्या बात है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. भाई क्या होने वाला है यार, सिर्फ 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर। अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। 1 किलोमीटर। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, तालियों की गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं। हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। भाई क्या मूवमेंट है, क्या मूवमेंट है यार। लॉट ऑफ अप्लॉज indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. अब बिल्कुल सीधा उतरेगा, बिल्कुल ऐसे। The altitude is being brought down from 800 meters
and we are nearing and approaching the lunar surface. जी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर क्या हाइट लगातार कम होता जा रहा है. इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग लगभग 600 मीटर के आसपास है. इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए होवरिंग करेगा. We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced. And the lander module has begun its descent towards the landing site. सिर्फ 200 मीटर जो पथ निर्धारित किया गया है लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है. 100 मीटर लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं. अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से. क्या बात है. We are approaching the vertical descent phase 2 which will have the lander module hovering at nearly 100 meters above the lunar surface. जी हाँ आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकंड हवरिंग फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है. आज तो उतर गया भाई, आज तो उतर गया. हाँ, क्या बात है. ध्यान से देखें तो आज मेरे फेसबुक वालो भाई इट्स अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन. 35 मीटर की ऊंचाई पे सिर्फ 135 मीटर. द सेंसर्स दैट आर अपडेटिंग एट दिस पॉइंट आर क्या बात है. कंफर्मेशन ऑफ द सेफ्टी ऑफ द लैंडिंग साइट. एज एक्सपेक्टेड द रीटारगेटिंग इज गोइंग ऑन एंड दिस इज अ वेरी गुड सिग्नेचर फॉर द लैंडर. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है. Currently only two engines are now being fired and we are nearly at zero velocity vertical and horizontal. ये आज उतर के रहेगा. हिंदुस्तान का परचम लहर के रहेगा चाहे कुछ भी हो. 50 मीटर 55 52 50 47 45 43 39 30 31 27 25 23 20 19 he is critically looking at the visuals. चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है. लैंड हो चुका है बहुत ही गर्व की बात है. हिंदी में क्या बात है कि चंदा मामा दूर के लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा मामा अपने घर के. बहुत ही उम्दा द हार्ड वर्क ऑफ द एंटायर इसरो कम्युनिटी हैज कम टू फ्रूएशन. यस We have done this. आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार. सर वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून. इंडिया इज ऑन द मून. सर आई रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस अस एंड प्लस अस. थैंक यू सर.
मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण चंद्रयान की लैंडिंग हम सब मिलकर देखेंगे यूट्यूब इंस्टोर। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, मतलब बिल्कुल मत भेजना, और जो 30 साल है वो भी मत भेजना।